की ओर उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिया के भेजे हुए गोंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिव इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिव के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिव इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिव के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिव इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिव के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी
कि वो उसकी बाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिव इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी है और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिव के भेजे हुए गुंडे नीलो को ना सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलो बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलो एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिव इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी है और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिव के भेजे हुए गुंडे नीलो को ना सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलो बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलो एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिव इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी है और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिव के भेजे हुए गुंडे नीलो को ना सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलो बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलो एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिव इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी।
साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडो को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडो को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडो को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडो को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ
साथ साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलो को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी ये सुनकर तो उसके भी पावतले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी है और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलो को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी ये सुनकर तो उसके भी पावतले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी है और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलो को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी ये सुनकर तो उसके भी पावतले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी है और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलो को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी ये सुनकर तो उसके भी पावतले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी।
साद जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साद को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साद को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साद को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ
साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलो को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी ये सुनकर तो उसके भी पावतले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी है और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिब जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गुंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलो को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी ये सुनकर तो उसके भी पावतले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी है और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिब जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गुंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलो को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी ये सुनकर तो उसके भी पावतले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी है और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिब जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गुंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलो को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी ये सुनकर तो उसके भी पावतले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी।
साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ वो नीलों को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलों को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी, ये सुनकर तो उसके भी पाँव तले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक अपने खानदान की बदनामी और रसवाई का बायस बनती रहेगी। अब अरिब इतनी ज्यादा नफरत माहिर से करेगा कि वो उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि कुछ भी गलत करने पर उसे जरा बर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। साथ जिस तरह से माहिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसे फूल लाकर पेश करेगा, माहिर वो फूल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अब वो साथ को कबूल कर चुकी और उसे मोहब्बत भी करने लगी है और साथ को भी इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत की जीत हो गई। लेकिन अरिया जो कि माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो माहिर को धमकी देगा कि उसने उसकी मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखे, और इस नफरत का नतीजा ये होगा कि वो गोंडों को बेचकर माहिर और साथ को तंग करने की कोशिश करेगा और साथ
साथ साथ वो नीलो को भी डराएगा और धमकाएगा। अरिब के भेजे हुए गुंडे नीलो को न सिर्फ धमकी देंगे बल्कि ये भी कहेंगे कि जब तक माहिर उनके घर पर है तो उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा होने के इम्कान है। यहाँ पर नीलू बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और डरते हुए आकर जब वो ये सब कुछ माहिर को बताएगी ये सुनकर तो उसके भी पावतले से तो जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर नीलू एक दफा फिर से माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन ये बात साथ भी सुन लेगा और वो माहिर को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और माहिर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होगी और बहुत ही ज्यादा रोएगी कि उसकी वजह साथ कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक उसकी डाल बनेगा और कब तक